हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हीलिकल एंटीना हम लोग हीलिकल एंटीना के बारे में पढ़ेंगे तो हीलिकल एंटीना क्या होता है ए हीलिकल अंटीना इज एन अंटीना कंसिस्टिंग ऑफ ए कंडक्टिंग वायर वन इन ए फॉर्म ऑफ हिल्स एंटीना क्या है एक एंटीना है जिसमें क्या होता है कंडक्टिंग वायर होता है और जो है वो हिलिक्स के फॉर्म में वो लपेटा रहता है मीन्स स्प्रिंग जो आप देखते हैं स्प्रिंग उस तरह का रहता है हिलिक्स के फॉर्म में ये कंडक्टिंग वायर जो है वन रहता है लपेटा रहता है इन मोस्ट केसेस हिलकल एंटीना आर माउंटेड ओवर ए ग्राउंड प्लेन ज़्यादातर केस में जो है हिलकल अंटीना जो होता है वो माउंट किया जाता है ग्राउंड प्लेन पे द फीड लाइन इज़ कनेक्टेड बिटवीन द बॉटम ऑफ द हिलिक्स एंड द ग्राउंड प्लेन जो फीड लाइन होता है हिलकल एंटीना का वो हिलिक्स का जो बॉटम वाला पार्ट होता है उससे और ग्राउंड प्लेन से कनेक्टेड रहता है हिलकल एंटीना कैन ऑपरेट इन वन ऑफ द टू मोड्स हिलकल एंटीना जो है दोनों में से कोई एक मोड में काम करता है तो कौन सा दो मोड है एक आपका नॉर्मल मोड है और एक एक्जियल मोड है नॉर्मल मोड हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके नॉर्मल मोड क्या होता है नॉर्मल मोड के हम लोग ब्रॉड साइड हीलकल एंटीना भी बोलते हैं नॉर्मल मोड या ब्रॉड साइड हिलकल एंटीना इन द नॉर्मल मोड द डायमीटर ऑफ हिलिक्स एंड द पिच ऑफ द एरियल आर स्मॉल कंपेयर विद द वेव लेंथ नॉर्मल मोड में क्या होता है हिलिक्स का जो डायमीटर होता है और एरियल जो है उसका जो पिच होता है वो स्मॉल होता है वेवलेंथ के कंपैरिजन में द एंटीना एक्ट सिमिलरली टू एन इलेक्ट्रिकली शॉर्ट डाइपोल और मोनोपोल एंड द रेडिएशन पैटर्न सिम सिमिलर टू ओमनी डायरेक्शनल विथ मैक्सिमम रेडिएशन एट द राइट एंगल टू द दिलिक्स एक्सिस कह रहा है ये जो एंटीना है वो इलेक्ट्रिकली शॉर्ट डाइपोल या मोनोपोल की तरह मोनो मोनोमीन्स एक एक पोल या डाइपोल की तरह काम करता है जिसका रेडिएशन पैटर्न जो होता है वो सिमिलर होता है ओमनी डायरेक्शनल की तरह मीन्स सभी डायरेक्शन में इसका रेडिएशन पैटर्न होता है विथ मैक्सिमम रेडिएशन मैक्सिमम रेडिएशन कब होता है जब ये राइट right एंगल पे होता है हिलिक्स एक्सिस के राइट right एंगल पे होता है तो मैक्सिमम रेडिएशन होता है द रेडिएशन इज लीनियरली पोलराइज पैरेलल टू हिलिक्स एक्सिस और जो रेडिएशन होता है वो लीनियरली प्लोराइज होता है पैरल टू एक्स एक्सिस पैरल टू हिल्स एक्सिस हिल्स एक्सिस के पैरल में लीनियरली प्लोराइज होता है नेक्स्ट है एक्जियल मोड एक्जियल मोड को हम लोग इंड फायर हेक्जियल एंटीना भी बोलते हैं एक्जियल मोड जो है इंड फायर हेलिकल हल, हल, एंटीना जो है वो एग्जियल मोड में काम करता है इन द एगजियल मोड द डायमीटर एंड पिच ऑफ हिलिक्स आर कंपरेबल टू वेवलेंथ एक्जियल मोड में क्या होता है डायमीटर और पिच जो होता है हिलिक्स का वो वेवलेंथ के कंपेरे कंपेरेबल होता है मीन्स बहुत छोटा नहीं होता है उसके अप्रोक्स होता है द अंटीना फंक्शन एज ए डायरेक्शनल एंटीना रेडिएटिंग ए बीम ऑफ द एंड ऑफ अलोंग द एंटीना एक्सिस जो अंटीना का जो फंक्शन है वो डायरेक्शनल एंटीना होता है और रेडिएटिंग बीम जो होता है वो ऑफ द इंड ऑफ दिलिक्स इंड हिलिक्स के जो इंड में होता है वहां से रेडिएटिंग होता है एलोंग दा एक्सिस के एलोंग इट सर्कुलरली प्लोराइज रेडियो वेब एक्जियल मोड में जो है किस तरह का पोलोराइजेशन होता है सर्कुलरली प्लोराइजेशन होता है वही नॉर्मल मोड में जो है किस तरह का पोलोराइजेशन होता है लिनियरली प्लोराइजेशन होता है ये देखिए ये आपका इंड फायर हिलकल एंटीना जो है उसका डायग्राम दिखाया गया है जो कि एक्जीयल रेडिएशन इसमें हो रहा है एक्जीएल मोड में है तो ये देखिए इसका जो लेंथ है ये आपका ग्राउंड प्लेन से है यहाँ पे देखिए ये जो है इसका लेमडा बाई एट लेंथ है ये को फीडर है और यहाँ पे ये जो लेंथ है वो जीरो पॉइंट एट लेमडा लेमडा का जीरो पॉइंट एट है और ये जो है दिस इज हिल्स ये हिल्स है आपका और दो हिलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है लेमडा बाई फोर है ये एक्जीएल रेडिएशन इसमें हो रहा है तो ये आपका इंड फायर कल एंटीना है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच